Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sayyid Imran Khan, with a new video of Maths Made Easy. Today we are going to establish the rule L is equal to R theta, where L is the length of the arc, R is the radius of the circle, and theta is the central angle. L is equal to R theta ka jo proof hai, isko sabit karne ke liye, sabse pehle aapke paas ek circle ka hona zaruri hai. Farz kare hamare paas ek circle hai, jiska center O hai, aur is circle pe aap koi ek point le A, और ए से अपने सफर का आगाज करके आप बी पॉइंट तक आ जाए, आपने ये जो ए से बी तक आर्क पे जो फासला तय किया है इसको एल का नाम दे. इसी असना जब आप ए को ओ से और बी को ओ से जॉइन करते हो तो सेंटर में ये जो एंगल बन रहा है, फर्ज कर ये थीटा रेडियन है, एंगल थीटा रेडियंस में से है. अब आप ए से अपने सफर का आगाज करें और आप सी पॉइंट तक आ जाए, यानी आप इतना इस आर्क पे फासला तय करें कि आपका ये जो रेडियस OA और OC है ये आर्क AC के बराबर हो. चूंकि OA और OC ये दोनों इस सर्कल के रेडियस है, तो AC आपने ये जो फासला तय किया, चूंकि ये भी OA और OC के बराबर है, तो आप इस फासले को R का नाम दें, ये आर्क डिस्टेंस जो है इसको R का नाम दें. चूंकि ये रेडियन की डिफिनेशन भी है कि वन रेडियन जो होता है वो आपका वो सेंट्रल एंगल होता है कि आप फर्ज करें किसी एक पॉइंट A से अपने सफ़र का आगाज करके किसी एक पॉइंट C तक आते हो और आपके इस अर्क की लेंथ और ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है ये आपस में बराबर हो. तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी जो है ये वन रेडियन है, क्योंकि आपका ये जो ओ ए और ओ सी रेडियस है ये अर्क ए सी के बराबर है, जिसको मैंने आर का नाम दिया है. और एल जो है वो लेंथ ऑफ द अर्क ए बी है, जो कि सेंटर में सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन बना रहा है. तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है कि एट is a fact of plane geometry that measure of central angles, ये जो central angle है इसकी जो measure है वो proportional होता है arc के लेंथ के. दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स. दोबारा सुन ले कि आपके पास ये जो सर्कल है तो इसमें ये जो सेंट्रल एंगल बन रहे हैं, इनके रेशोज और इनके जो आर्क्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो बनेंगे इनके रेशोज ये हमेशा बराबर होते हैं. यानी आपका ये जो एंगल है, इस एंगल को आप इस एंगल पे डिवाइड करें, दैट इज मेजर एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई मेजर एंगल ए ओ सी, ये हमेशा बराबर होंगे किसके, मेजर ए बी आर्क डिवाइडेड बाई मेजर ए सी आर्क. So it is a fact of plane geometry that measure of central angles of the arcs of a circle are proportional to the lengths of their arcs. Okay. अब यहाँ पे तो एक हम ये central angle लेंगे, measure angle AOB, measure angle AOB divided by measure angle AOC, measure angle AOC. This will be equal to this arc, measure AB arc. मेयर ए बी अर्क डिवाइडेड बाय मेयर ए सी अर्क, राइट, मेयर ए बी अर्क बट मेयर ए सी अर्क. अब मेयर एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये थीटा रेडियन है, सो थीटा रेडियंस डिवाइडेड बाय, और ये जो मेयर ए ओ सी एंगल है ये वन रेडियन है, डिवाइड बाय वन रेडियन इज इक्वल टू मेयर ए बी अर्क. ए बी अर्क की जो लेंथ है ये इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, और ए सी आर जो है इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, राइट. तो इसमें रेडियन रेडियन के साथ कैंसिल होता है, थीटा डिवाइडेड बाय वन से थीटा आता है, और यहाँ पे हमारे पास है एल बाय आर. अच्छा, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, यहाँ से आर को ख़त्म करने के लिए, मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को आर से मल्टीप्लाई करना होगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय आर, यहाँ भी आर को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी आर को मल्टीप्लाई करें, आर आर के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर एल आता है
और आर और थीटा को मल्टीप्लाई करें तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर और थीटा मल्टीप्लाई होके आर थीटा बनता है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस रूल। तो दोबारा आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इस पे इस सर्कल पे आप कोई एक पॉइंट ए ले और आप ए से अपने सफ़र का आगाज़ करें बी पॉइंट तक जाके जब पहुँच जाते हो तो आपने ये जो अर्क पे जितना फासला तय किया है इसको एल का नाम दे, इसी असना आपने सेंटर में जो एंगल तय किया है ये थीटा रेडियन है। अब आप ए से सी पॉइंट तक इतना फासला तय करें कि आपका ये जो अर्क लेंथ है ये इसके रेडियस के बराबर हो, चूँकि इस सर्कल का रेडियस आर है तो अब ए सी आर जो है ये भी आर के बराबर होगा। अब चूँकि अर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा ये वन रेडियन होगा, क्योंकि ये रेडियन की डिफिनेशन है। तो इसके बाद जब आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपने ये बताना है कि सेंटर में जो एंगल बनता है, सेंटर में जो एंगल्स बनते हैं इनके रेशोज़ और उनके रेस्पेक्टिव जो अर्क्स है इनके रेशो हमेशा बराबर होते हैं। तो फिर सेंटर एंगल एक थीटा रेडियन है और एक वन रेडियन है, सो थीटा रेडियन और वन रेडियन इज इक्वल टू दिस अर्क दैट इज एल डिवाइडेड बाय आर। तो प्रोसेस करें थीटा रेडियन को रेडियन के साथ कैंसिल करें, थीटा ओवर वन से थीटा आता है, थीटा ओवर वन से थीटा और एल बाय आर। इक्वेशन के दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई करें ताकि आर यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो आर ख़त्म, एल और आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर तो आर थीटा। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को एल इज इक्वल टू आर थीटा की समझ आ गई होगी कि इसका प्रूफ हम कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।